गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम फाइनली बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो आज हम WCS का परसेंटेज टॉपिक लेकर आए हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जाके मेरा ट्रायंगल का। तो आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज से आप लोग का एग्ज़ाम है चार क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से। तो आज हम जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे परसेंटेज का, उतना टॉपिक यदि आप कर लिए तो एग्ज़ाम से कहीं छूटने वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हम 6-7 टाइप भी पढ़ाएंगे परसेंटेज का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम परसेंटेज शुरू करते हैं। तो परसेंटेज के बारे में आप लोग बता दें कि परसेंटेज आप लोग देखे होंगे कि परसेंटेज, हालांकि परसेंटेज का चिन्ह कैसे होता है ये थोड़ा बताते हैं। परसेंटेज जो होता है इस तरह से दिया जाता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से लिखा हुआ होता है, प्रतिशत में बदले हैं, ठीक है, प्रतिशत जिसको बोलते हैं। अब परसेंटेज माने क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है पता है? परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो होता है 100। कितना होता है? 100 मतलब 100। एक तो इस तरह से 100 लिखा जाता है और एक तो 1/100। सर ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क यही है कि एक डायरेक्ट परसेंटेज हो गया और एक बटे में परसेंटेज आ गया, 1/100। तो 1/100 किसे, अगर ये कोई आप लोगों को दे दिया जाए 5% निकालें तो किसे निकालेंगे? तो 5% आपको बताया था क्या इसका मतलब होता है 100। अगर यदि इसको हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, कहीं भी परसेंटेज मिले उसको अगर हटाना है तो 100 आएगा उसका नीचे में। 100 नीचे में आया तो उसको क्या करना है कि 5% को हटा दिए तो कितना आया नीचे में? 100 आया। अब 100 आया तो इसको क्या करना है? कट करना है। जैसे ही कट की तो कितना आया? ये 5 से काटेंगे 100 तो 20 घर में कट गया और 5 एक घर में कटा तो 1/20 आ गया। इसको आप लोग समझ गए कि 101 क्यों आया? तो 5% जब निकालने बोलेगा तो 1/20 आएगा। और एक आपका 100 होता है उसके बारे में भी बताएंगे। जो 1/5 होता है, एक आपको एक और चीज़ें बता देते हैं। परसेंटेज जो दिया, अगर यदि आप लोगों को कभी भी परसेंट, पहली बात ये 5 है अगर यदि कभी भी ऊपर में परसेंटेज दिया रहे तो नीचे में 100 हो जाएगा। ए पहला, अगर यदि कभी भी परसेंटेज ऊपर में दिया हो तो नीचे में 100 हो जाएगा। अगर यदि नीचे में परसेंटेज दिया हो तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100। पहली बात, अगर यदि ऊपर में परसेंटेज दिया तो नीचे में 100 होगा, अगर यदि नीचे में परसेंटेज दिया तो ऊपर में 100 होगा। अब ये कैसे हो गया सर? तो क्या होता है कि जब प्रतिशत हटता है तो क्या होता है? 100 लगता है। जब प्रतिशत हटता है तो 100 लगता है। प्रतिशत जब हम लोग नीचे में दिया रहता है तो 100 ऊपर जाता है, और ऊपर में प्रतिशत दिया तो नीचे 100 रहता है। इतने बातों को सिर्फ आपको समझना है। अब अगर ये बोल दिया जाए क्या 50 को प्रतिशत में बदलें तो 50 को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? तो बोल रहे थे क्या, प्रतिशत अगर ऊपर में है तो नीचे 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। नीचे 100 आया तो 100 को हम 5 से काटेंगे, इसको 2 करेंगे, 1/2 आ गया आपका वैल्यू इसका, 50 का 1/2 हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग को समझ में अगर आ गया तो समझिए आप लोग बना लेंगे। इसको हम कह सकते हैं क्या, अंश बटे हर भी कह सकते हैं। ये अंश हो गया, हर हो गया, अंश बटे हर भी कह सकते हैं इसको। अगर ये आप लोगों को दे दिया जाए क्या प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलें, क्या पहला क्वेश्चन तो आता है क्या प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलें, क्या बदलें? साधारण भिन्न में बदलें। बदले अब साधारण भिन्न में बदलें, इसका क्या रीजन है सर? पहला टाइप का क्वेश्चन, प्रत्येक को क्या साधारण भिन्न में बदलें। अब देखिए, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलें तो अगर दे दिया जाए क्या
35 का साधारण भिन्न कितना होगा? प्रति 35 का साधारण पूछा, भिन्न क्या होगा 35 का? परसेंटेज लगा हुआ है, 35 का पूछ रहा है, तो आपको क्या बताया था? परसेंटेज नीचे ऊपर में दिया रहा, तो नीचे 100 आएगा, मतलब इसको हटाना है तो क्या आएगा? 100 आएगा, 100 आया। अब क्या कर, इसका काम खत्म। अब बचा 35/100, 35/100 हुआ। इसको काटेगा किससे? तो 5 से कट जाएगा 7 घर में, 5 से कटेगा 20 घर में, मतलब 7/20 इसका क्या आया? भिन्न। अंश बटे हर आया 7/20। ये क्या साधारण ब्याज आ गया, क्या आ गया? साधारण ब्याज, सॉरी भिन्न नहीं होगा, ब्याज में बदलना, सॉरी ब्याज होगा, साधारण ब्याज। ये हो गया साधारण ब्याज, हो गया, भूल गए थे, साधारण ब्याज हो गया, 7/20 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कहाँ, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें एक और देते हैं कि इसमें एक और टाइप आता क्या, एक साधारण ब्याज का निकाले, ये भिन्न नहीं ब्याज था, सॉरी सर, ये था ब्याज, थोड़ा सा यहाँ लिखने में ब्याज था, भिन्न नहीं था, ठीक है। अब इसी में अगर ब्याज में एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि 20% को साधारण ब्याज में बदले, 20% को साधारण ब्याज में बदले, परसेंट साधारण ब्याज में बदले, तो साधारण ब्याज में बदलेंगे तो यहाँ क्या परसेंट, 20 के ऊपर परसेंट लगा, तो परसेंट लगा तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आएगा 100। जितना भी टाइप बताएंगे आप लोग थोड़ा रिकवर कीजिए। 100 आया तो 2 1 0 1 0 पहले कटेंगे, 2 से काटेंगे कितना 5 घर में, तो कितना आया 1/5 आया इसका क्या ब्याज। अब देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पहला टाइप ये है, इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या साधारण भिन्न में बदलें, किसमें साधारण भिन्न में, वो साधारण ब्याज था, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में बदलें, क्वेश्चन आपको साधारण भिन्न में अगर बदलने दे दिया जाए तो कैसे बदलेंगे आप उसके बारे में थोड़ा देखिए। अगर यदि अगर साधारण भिन्न में दे दिया जाए क्या 0.02 को साधारण भिन्न में बदलें, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है, साधारण भिन्न में बदलें तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने का अच्छा दे देखिए क्या दिया 0.02 को क्या बोला साधारण भिन्न में, परसेंटेज में दिया 0.02% को साधारण भिन्न में बदले, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या बोलते हैं परसेंटेज जहाँ लगा हो वहाँ क्या होगा 100, तो सबसे पहले परसेंटेज का काम खत्म करते हैं, क्या करेंगे पहले 100 उठा लेते हैं, इसका काम खत्म कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। ये आ गया 100, पहले परसेंटेज हटाए तो 100 बैठा। अब दूसरा क्या, अब देखिए जितना घर के बाद पॉइंट है उतना जीरो, जितना घर के बाद पॉइंट उतना जीरो, तो कितना घर के बाद पॉइंट है 1, 2 घर के बाद, 2 घर के बाद जब पॉइंट 2 घर के बाद आए तो कितना हो जाएगा 100, वो क्यों होगा तो बता रहे हैं क्यों होगा परसेंटेज। अगर यदि 1 पॉइंट के बाद 2 रहे तो कितना हो जाएगा 10, 1 घर जा रहा है मतलब 10, यहाँ 2 घर के बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 100, तो देख रहे 100 आया, तो आप देखते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये पॉइंट का काम खत्म, पॉइंट का खत्म हो गया काम। अब देखते हैं इसको कैसे बदला जाएगा, तो पॉइंट का काम खत्म, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.2/100×100, 100 खत्म, इस जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट जब कहानी खत्म हो गया तो जीरो का भी खत्म कहानी हो गया। 2 से काटेंगे 100 को तो 50 घर में, 50×100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5000 आ जाएगा इसका एंसर भिन्न में। तो जब भिन्न में साधारण भिन्न में बदलने को दे दिया जाए तो इसी तरह से साधारण ब्याज भिन्न में बदलना है। इसमें एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अगर यदि आपको दूसरा टाइप हो गया सर, आपका देख लीजिए, अगर यदि आप लोगों को दे दिया जाए 0.05, एक और जीरो लगा देते हैं 5, ठीक है, इसको बोलेगा साधारण भिन्न में बदलें, तो कैसे बदलेंगे तो देखते हैं, परसेंट लगा रहेगा, तो इसको बदलने के लिए जब परसेंट में दिया हो तो बोले थे क्या परसेंट को हटाना है, पहले 100 बैठाना है, परसेंटेज का काम खत्म। अब देखना है क्या 1, 2, 3 घर के बाद पॉइंट दिया है, तो बस 1, 2, 3 बस 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तब देखिए
अब क्या करना है सर, पॉइंट कहानी खत्म हो गया तो जीरो का भी काम खत्म हो गया, तो फाइव ऊपर में लिखेंगे 100 इंटू 1000, 1000 लिखे तो 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितना घर में जाएगा, तो 20 घर में, 20 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 20000 आंसर। तो इस तरह से साधारण भिन्न को सॉल्व करना, इस तरह से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं क्वेश्चन का, पहला टाइप ये, दूसरा ये पहला था टाइप क्या, ब्याज में बदले, दूसरा क्या था भिन्न में बदले। अब तीसरा टाइप क्वेश्चन आएगा, ये क्या आएगा, प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदले, ठीक है। अब आएगा क्या, दशमलव को भिन्न में बदले, दशमलव को भिन्न में बदले। कौन क्या कर रहा है सर, इतना धड़धड़ा रहा है। दशमलव भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले आएगा क्या, तीसरा टाइप का क्वेश्चन। दशमलव भिन्न मतलब अगर दिया आप लोगों को पॉइंट, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है 0.07, सबसे ज्यादा डाउट रहता है इस जगह पे लड़की को कि सर दशमलव भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे सर, इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहता दिया हुआ। तो बस इसका तरीका कुछ नहीं है, चुटकी में बदलना है बस, क्या चुटकी में बदलेंगे कैसे सर, सॉरी ए जीरो नहीं होगा, सिर्फ 7 होगा, 7% इसको बदलना है। जब इसको बदलना रहेगा तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसको जो बदलना रहेगा तो क्या बताया था, परसेंटेज तो क्या लगाएंगे 100, क्या लगाएंगे 100, बस कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं करना है, 100 लगाइए कहानी खत्म, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, एक अगर यदि आप लोगों को मन हो तो 10 लगा सकते, नहीं भी लगा सकते चलेगा। देखिए हो गया, अब इसको जीरो, इसका काम खत्म हो गया, 7/100 आया। अब इसको बदलेंगे दशमलव में, इसको दशमलव में बदलेंगे क्या आएगा, 0.07 आ जाएगा इसका आंसर, बस हो गया, कुछ नहीं करना है आपका, ये टाइप खत्म। भिन्न में दशमलव भिन्न में बदलना आसान काम है, समझ गए होंगे इसको। अब चलेंगे हम लोग क्या, प्रतिशत में, पांचवा ये आपका चौथा टाइप है, कितना टाइप है, चौथा टाइप आ जाएगा। चौथा टाइप में हम बताएंगे क्या, प्रतिशत में बदलने के बारे में बताएंगे, तो देखिए ये पांचवा टाइप में आएगा एक क्वेश्चन परसेंटेज में, क्या पांचवा टाइप रहेगा 3/15 को प्रतिशत में बदले, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा 3/15 को प्रतिशत में बदले, बोला 3/15 को, जब बोले तो प्रतिशत का बात करें तो 100 आएगा, किसको बोल रहा है, 3/15 को बोल रहा है, किसमें बोल रहा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए आपको क्या बताया था 100 बैठाना, किसको बैठाना 100 बैठाना, 100 लगा दिए 100, अब कुछ भी नहीं करना है, 100 लगा दिए, अब क्या करना है कि सिर्फ आपको पहला जो बताए थे उसको ध्यान में दे, क्या बताए थे कि कट करना, तो कौन कट रहा है, 3 से कट रहा है, कितना घर में, तो 5 घर में, 5 घर में कट रहा है, 3/15 5 घर में, 5 से जाएगा 100 20 घर में, तो कितना परसेंट हो रहा है, 3 का 15% कितना होगा, तो 20% आ जाएगा, राइट आंसर आ गया। अब इसी में एक और टाइप लेते हैं, अगर यदि आप लोगों को दे दिया जाए ये समझे 3/15 का बोल रहा है प्रतिशत में बदले, 3/15 को प्रतिशत में बदल, कितना आया 20% आया। अब अगर यदि बोल दिया जाए क्या कि 16/64 को प्रतिशत में बदलें, 16/64 को प्रतिशत में बदलें, तो 16/64 को प्रतिशत में बोल रहा है बदलने, तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या बैठा है, तो बोले थे हम 100 लगाइए, 100 लगाए, तो अब देखना है क्या नीचे से ऊपर, सबसे पहला चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ऊपर से में कटेगा वो नीचे भी कटना चाहिए, सेम डिजिट से दोनों कटना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए
अगर यदि हम काट दे 16 से 64 कट सकता है, कट सकता है कितने घर में, तो चार घर में, 16 चुके 64, चार घर में कट गया। क्या चार से फिर 100 कट सकता है, हाँ जी कट सकता है, कितने घर में, तो 25 घर में। तो 16 बटे 64 का प्रतिशत बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 25% आएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग छठा टाइप, ये हो गया, इतना टाइप आपका समझ में आ गया होगा, जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोग बुक खोल के इसी तरह से क्वेश्चन करते जाइए जितना भी क्वेश्चन मिले। अगर ये अब देखिए, ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन आप बताएंगे वो इजी क्वेश्चन बताएं, लेकिन अब जितना बताएंगे वो अच्छा चीज़ बताएंगे, सिर्फ नोट करते जाइए। बोलेगा क्या 500 का 10% कितना होगा, क्या 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% बोल रहा है कितना होगा। कोई भी कपड़ा में अगर यदि आप जाते हैं एक टी शर्ट खरीदने, तो बोलता है 500 रुपया दाम है, उसमें 20% छूट दे रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, 500 का 10% पूछ रहा है, मतलब अगर यदि आपका दादाजी रहे, बोल रहा है 500 टका के 10% निकाल क्या टका वालों, मतलब तुम काम किया, ठीक है, 500 रुपया तुम्हारा काम का पैसा हुआ 5 दिन का, उसमें तुम एक दो घंटा काम नहीं किया, तो दो घंटा काम नहीं किया तो बोल रहा है कि मान के चलो दो घंटा काम नहीं किया तो दो घंटे में कितना पैसा तुम्हारा कम हो जाएगा उसके बारे में। उसी तरह से ये है, बोल रहा है 500 रुपया है, उसमें बोल रहा है 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा। निकालते हैं 500 का 10%, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधी सी बात, देखिए कैसे निकालेंगे। तो 500 का 10% पूछा है, 5 लिखेंगे इस तरह से, यहाँ इंटू देंगे, का मतलब क्या, तो गुना, का मतलब क्या, तो गुना, का मतलब क्या, तो गुना, तो गुना दिए, उसके बाद क्या 10%, प्रतिशत को हमेशा कहाँ लिखेंगे, कपार पर, मतलब ऊपर में लिखेंगे माथा पर, ठीक है, प्रतिशत है तो क्या बैठाएंगे 100 लगा दिए, 100 जैसे 100 लगाए तो क्या हुआ, 100 लगाए, अब कौन कटेगा, 2 0 2 0 खत्म, बचा कितना 10 गुना 5, तो फिर 50